नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी के। मैं आज बात करने वाला हूं BCCLE को लेकर। और BCCLE में जो 2023 का एग्ज़ाम होगा उसको लेकर, क्योंकि यहां पे कई सारे लोगों का अलग अलग कन्फ्यूजन्स जो है हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो उन कन्फ्यूजन्स को मैं यहां पे जो है दूर करने वाला हूं, और जो भी डाउट्स है उन सभी को मैं यहां पे लेने वाला हूं। ओके, तो देखो सबसे पहला जो डाउट्स आ रहा है वो डाउट्स आ रहा है क्लासेस के फ़ी को लेकर, ठीक है। क्लासेस का फ़ी को लेकर कि सर कितना फ़ी जो है आपका रहने वाला है, ठीक है। फ़ी कितना रहने वाला है उसको लेकर यहाँ पे जो है बातें हो रही है। तो देखो जो फ़ी है, अभी मैं आपका ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 सितंबर 2022, तो अभी जो है 499 रुपीज़ में मिलेगा। और ये कब तक वैलिड होगा? 6 सितंबर 2022 तक, ठीक है। तो इन दो डेट में, अगर इन डेट के बीच में अगर आप परचेज़ करते हैं पेड क्लासेस, तो आपको जो है 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। ओके, अब इसमें मिलेगा क्या क्या, तो देखो कंटेंट मैं बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ हमें भाई लेना है कोर्स पेड क्लासेस या फिर नहीं लेना है। सबसे पहला आपको जो है वीडियो मिलेगा, जो कि प्री रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको जो है नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं। बट नॉट प्रिंट इसका मतलब क्या है कि आप जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हमारा ऐप है इंजीनियर प्लस उसी में, ठीक है, उसको मैं डाउनलोड करके आपको कभी भी, जैसे वीडियो सेक्शंस आप यूट्यूब वगैरह पे डाउनलोड करने के बाद देखते हैं ना, तो वैसे ही आपको बिना नेट का आप उसे जो है रीड कर पाएंगे ऐप में ही। उसके बाद तीसरा नंबर में ग्रुप, ठीक है। ग्रुप किस लिए? डिस्कशन के लिए, ठीक है। आपको ग्रुप मिलेगा डिस्कशन के लिए। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, किस लिए? तो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस भी मिलेंगे, राइट। उसके अलावा फिफ्थ नंबर पे कॉल सपोर्ट का मतलब क्या कि अभी आप हमें कॉल कीजिएगा तो आपका कॉल नहीं लगेगा, या लगेगा तो आपको बताएगा कि आप सर जो है अभी क्या हैं, बिजी हैं, या आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी बिजी है, इस तरीके का आपको जो है बताएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप आप अभी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जिसमें इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमारा नंबर है 7488414543, ये जो नंबर है इस पे अभी आप सिर्फ व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अभी कॉल करने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं हम कॉल करके पता करते हैं, तो आपको कॉल नहीं लगेगा, अभी सिर्फ व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्स में इनरोल कर जाते हैं तो आपको जो है कॉल सपोर्ट, यानी आप कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा अगर हम और हमारी टीम जो है फ्री होगी तब। ऐसा नहीं है कि आप कॉल किए तो तुरंत रिप्लाई मिल ही जाएगा, बट अगर फ्री रहें तो डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो ये जो है BCCLE 2023 के लिए है। अब मैं पढ़ाऊँगा कैसे ये थोड़ा उस पर भी हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ठीक है इतना इसमें ये चीज़ें तो मिल रही है, लेकिन कितना में ये जो है हमें मिलने वाला है। तो देखो
इसमें आपको जो है क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें सबसे पहला नंबर पे है इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दूसरे नंबर पे है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड थर्ड नंबर पे है टेक्निकल इंग्लिश। ठीक है, टेक्निकल इंग्लिश ये आपको जो है पढ़ाए जाएंगे। ये तीन सब्जेक्ट आपके जो है लैटरल एंट्री एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका टेक्निकल इंग्लिश। इसमें जो है आपको 35 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है 35 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आप 35 मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप इतना नहीं लाते हैं तो आपका जो है फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 30 मार्क्स नहीं लाएंगे टेक्निकल इंग्लिश में तो आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें क्या बताएगा, यू आर नॉट एलिजिबल, है ना, यू आर नॉट एलिजिबल, या फिर लिखेगा कि आपका रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस तरीके से जो है आपका रिजल्ट में लिखता है। ओके, तो ये 35 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ने हैं एक शॉर्ट इंट्रो में दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैं ए लिख रहा हूँ, ए में है आपका नाउन। ठीक है, ए में क्या है आपका नाउन। बी में आपका है फोनेटिक्स। ठीक है, सी में है आपका सिमिली। ठीक है, एंड डी में है आप ले लो यहाँ पे देखो फोनेटिक्स में ही दो तरीके का फोनेटिक्स आता है। एक फोनेटिक्स में आपका जो है वॉवेल साउंड से रिलेटेड पढ़ने होंगे। ठीक है, वॉवेल साउंड, और एक होगा आपको कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जो वॉवेल साउंड्स है इसी को हम लोग बोलते हैं सी लेवल। वॉवेल साउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सी लेवल। ओके, और कॉन्सोनेंट साउंड को नॉर्मली कॉन्सोनेंट साउंड ही बोलते हैं। ठीक है, तो फोनेटिक्स में आपको वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ओके, तो इन दोनों से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली आपका जो है लगभग प्रत्येक ईयर 10 से 20 क्वेश्चंस, है ना, 10 से 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और नाउन से क्वेश्चन जो है ये 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सिमिली से भी जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ले लो प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन से भी जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम कब हो रहा है। ओके, उसके बाद ई नंबर में एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव जो है अभी पिछले 2 सालों से, यानी 2021 और 22, ठीक है, ये 2 सालों में इससे अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इस बार संभावना है डेफिनेटली 99% कि इस बार पूछेगा, क्योंकि 2 सालों में नहीं पूछा है तो इस बार तो रिपीट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इससे भी जो है आपका 5 क्वेश्चन जो है मानकर चलो आता है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, मिनिमम ये टॉपिक्स हैं, आपको अगर आप हमारे पेड क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको और भी कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे बिजनेस करेस्पॉन्डेंस हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, है ना, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, आइडम्स एंड फ्रेज हो गया जिसको मुहावरा कहते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब सिंथेसिस हो गया, है ना, सिंथेसिस क्या होता है वो, फिर आपको जो है पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ये इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है, बट इन सभी टॉपिक्स में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे आप जो है टेक्निकल इंग्लिश पास कर सकते हैं वो है आपका नाउन, फोनेटिक्स, सिमिली, प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव।
फोनेटिक्स में आपका दो तरीके का फोनेटिक्स फोनेटिक्स में देखने को मिलता है, एक वॉवल साउंड्स और एक कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल साउंड्स को हम लोग जो है सिलेबल भी कहते हैं, ठीक है। ठीक, क्योंकि वॉवल साउंड्स की मदद से ही जो है हम लोग क्या करते हैं, सिलेबल काउंट कर पाते हैं। अगर हमें वॉवल साउंड्स पता नहीं रहेगा कि किस वर्ड में कितने वॉवल साउंड्स आ रहे हैं, तब तक जो है हम लोग सिलेबल काउंट नहीं कर पाएंगे। यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और अगर पता नहीं है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो चैनल है इंजीनियर प्लस, इस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि मैंने पिछले साल पढ़ाया है। आप फ्री में उस डेमो क्लासेस को देख सकते हो कि मैंने जो है फ्री क्लासेस किस तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो आपको हो सकता है कि पूरे बिहार में कई सारे प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ पे आपको इस तरीके की तैयारी करवाया जाता होगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बस काम है आप लोगों को गाइड करना। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, देन वेरी फाइन, ओके। तो ये हुआ आपका इंग्लिश का, ये किसका हुआ, इंग्लिश का, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करेंगे मैथ्स का। ये क्या हो गया, देखो इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स है इसमें पढ़ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इससे जो है आपका 5 to 8 है ना, 5 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है कैलकुलस। कैलकुलस में आपको जो है 3 तरीके का कैलकुलस देखने को मिलेगा, एक डिफरेंशियल, ठीक है, एक इंटीग्रल और एक वेक्टर, ठीक है। ये तीनों से आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सॉलिड ज्योमेट्री, इससे जो है आपको 5 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप कितना क्वेश्चन अटेंड करने लायक हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन अटेंड करने लायक हो जाएंगे 5, 20, 25, यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस आप बनाने लायक हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, इससे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन से भी आपको जो है 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका मोशन एंड इट्स टाइप। मोशन के कई सारे टाइप्स हैं, है ना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। तो इस तरीके से मोशन और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं तो इससे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 15 से 20 क्वेश्चंस। कितना, 15 से 20 क्वेश्चंस आपको जो है मोशन और उसके टाइप से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गया, लीनियर मोशंस हो गया, है ना। इस तरीके से अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन से रिलेटेड आ गया, या कई बार जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया इधर की ओर, ये इधर की ओर चलना स्टार्ट किया, तो कौन से पॉइंट पे आकर जो है मीट करेगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है कई बार आपको मैकेनिक्स में देखने को मिल जाता है, ओके। तो ये आपका टॉपिक्स हो गया। इसके बाद आप एक और टॉपिक ले सकते हो, इसके अंतर्गत ही तो आ जाएगा, है ना, वर्क पावर एनर्जी फ्रिक्शन, ये और एक और टॉपिक है, बट वो एक्चुअली वो फ्रिक्शन का ही पार्ट है, बट कई बार हम लोग नहीं लेकर चलते हैं, तो इंडिविजुअल अगर उसको लेकर चल रहे हैं तो वो पुली लेकर चल सकते हो, ठीक है, पुली। इससे भी जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को
मिलेगा पुलिस रिलेटेड। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, एमआई से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी आपका जो है मानकर चलो कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कौन टॉपिक्स आप पढ़ोगे जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे जो है आपका क्वेश्चंस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस का पैटर्न हो, कई बार चेंजेस भी होते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा भी आता है कुछ सेक्शन से, कुछ सेक्शन से आपको कम क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाता है। बट जो एक ओवरऑल डाटा होता है, जो एवरेज डाटा होता है, वो यही होता है। यानी अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, ज़्यादा आपको टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा खासा रैंक ला सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर कई सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे रैंक ला रहे हैं और अच्छे अच्छे कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, एग्ज़ाम में ज़रूरी ये है कि आप कितना क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपका सही कितना हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम में मायने ये रखता है, मायने ये बिल्कुल नहीं रखता है कि आप कितना क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि लोग अगर चाहे तो क्वेश्चंस तो 150 क्वेश्चंस रहते हैं तो 150 क्वेश्चंस पूरा अटेंड कर सकता है, बट उसमें से सही क्वेश्चंस कितने होंगे, राइट, उसमें से सही क्वेश्चंस कितने होंगे, 4, 10, 20, 25 इस तरीके से। तो क्वेश्चन अटेंड करना डियर मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप कितना सही कर रहे हैं। और ये सही आपका कब होगा, जब आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका आएगा। कई सारे लोग आपको ये बताएंगे कि कम दिन में भी पढ़कर अच्छा नंबर लाया जा सकता है, डेफिनेटली लाया जा सकता है, बट ये उसके लिए पॉसिबल है जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ चुका है, जो अपने सेमेस्टर में थोड़ी बहुत मेहनत कर चुका है। जो कुछ भी अपने सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है ना, या थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा। और ख़ासकर उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है जिन लोगों को सिविल और सीएस लेना है। अगर आपको सिविल और सीएस ब्रांच से बीटेक करना है तो डेफिनेटली आपको जो है मेहनत करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और क्योंकि अब जो है नंबर ऑफ़ सीट्स जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो अब जो है काउंसलिंग के टाइम में आपको ज़्यादा सीट देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना है और ध्यान रखना है कि आपको जो है मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो 5 सितंबर तक आप लोगों को ऑफ़र है, ठीक है, 6 सितंबर तक एक्चुअली है, बट ये 5 सितंबर के शुभ अवसर पर लाया गया है। ठीक है, 5 सितंबर के शुभ अवसर पर, टीचर्स डे के शुभ अवसर पर। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि डियर आप में से कई सारे लोग होंगे जो टीचर्स डे मनाने जाएंगे, तो मनाने जा रहे हैं, दैट्स वेरी फाइन, ग्रेट, अपने कॉलेज में इंजॉय कीजिए, बट इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई पे भी लगे रहिए। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो कमेंट कर सकते हैं, और जो नंबर मैंने दिया है उस पर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। साथ ही अगर आप अभी कॉल कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, हाँ आप व्हाट्सएप पे कॉल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं कि किस रिगार्डिंग आपको जो है बात करनी है, तो हो सकता है कि हमारी टेक्निकल टीम आपको उससे जो है कॉन्टैक्ट कर ले। ओके, तो आज की वीडियोज़ यहीं पे मैं रखता हूँ, थैंक यू।